सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने सैनिक स्कूल क्लास सिक्स का जो है आंसर की अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे जीके और इंग्लिश का। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और अभी मैं क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स का जो है आंसर की अभी बताने वाला हूँ आपको, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी मैं क्लास नाइन का भी आंसर की अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। तो इसलिए अगर आपको क्लास नाइन का आंसर की देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो अभी वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हम मैं शिवमनी विनायक को जो है धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये पेपर भेजा है, जिसकी वजह से मैं आंसर की आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं 26 सेक्शन भी है मैथमेटिक्स, तो इसका मैं आंसर की मैथमेटिक्स का बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 का होगा ऑप्शन नंबर 4, 3:5। 27 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 3, 5। ठीक है, 28 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 3। 29 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 1, ये गलत है, ठीक है, जिनका भी है। तो 29 का होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 30 का होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 31 का होगा ऑप्शन नंबर 4, 28 बिल्कुल सही है, 28 बिल्कुल सही है। उसके बाद अब आते हैं नीचे, और 32 का होगा 47 बिल्कुल सही है, 47। 33 का होगा 34.75 ऑप्शन नंबर 4 सही है। 34 का होगा 6 होल 1/4, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3। 34 के बाद आते हैं 35 में, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। ए का होगा 2, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है हमारा डायमीटर होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है हमारा डायमीटर होता है। उसके बाद बी का होगा 3, मतलब ये स्पेस बिटवीन टू रेडियाई जो है सेक्टर, हाफ ऑफ अ सर्कल अपन हम लोग को पता है, हाफ ऑफ सर्कल जो है वो सेमी सर्कल होता है, और हाफ ऑफ डायमीटर क्या होता है तो रेडियस होता है। तो ये तो कोई भी बना सकता था, बहुत ईजी पेपर था, ठीक है। 36 नंबर की बात करते हैं कि 36 नंबर पे जो है वो हमारा क्या होगा, 36 का होगा 192 cm³, ठीक है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और 37 का होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 728 cm³। 38 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 90, 91, 92 और 93 कंपोजिट नंबर्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 39 का होगा ऑप्शन नंबर 1 सही, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 71 और 73, 70 और 100 के बीच में ये दो प्राइम नंबर्स होंगे। अब 40 का होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, स्केलन एंड राइट ट्रायंगल। तो आपको मैच करते जाना है कि आपका कितना सही है। अगर आपका अलग सेट भी है, अगर कोई आपका जो है क्वेश्चन पेपर वो अलग सेट का है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन जो है उनका जो है ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपको जो है नोट कर लेने हैं आपको कॉपी में कि कौन कौन सा कितना आंसर है, 40 का है, ये है जो मैं बोल रहा हूँ आपको नोट कर लेने हैं, उसके बाद आपको मैच करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है, बस ऑर्डर डिफरेंट होता है, मान यानी कि आपका जो क्वेश्चन 60 नंबर पे दिया होगा तो दूसरे सेट में जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट ही नंबर पे दे दिया होगा। तो इस तरीके से होते हैं सारे सेट में, ठीक है। तो आपको अगर सेट अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी बना सकते हैं। ये एल सेट है, मैं आपको बता दूँ ये एल सेट है, ठीक है, क्लास सिक्स का। अब आते हैं 41 नंबर पे बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा सही है। अब 42 पे आते हैं, 42 का हमारा हो जाएगा 6000 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही है 42 का। अब बढ़ते हैं इधर 43 की ओर, वो था 42 सॉरी ये है 42 42 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, ठीक है। 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 में हमारा हो जाएगा 43। सो गाइज, अब 43 की बात करें तो 43 में हमारा हो जाएगा 498.5 डिग्री फ़ारेनहाइट।
नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर अगर हम कन्वर्ट करें तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 44 का हम लोग बात करें तो फर्स्ट 122 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18.0005, ठीक है, 005 केजी, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 45 का 4, ठीक है, ये गलत है हमारा ऑप्शन, फर्स्ट नहीं होगा इसका, फर्स्ट नहीं होगा इसका, 4 होगा, ठीक है। और 46 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर 2, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देख एक मिनट देख कर बताता हूँ, 47 का हमारा हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ उसी वही है आंसर, जो ब्लैक कलर से मार्क है वो आंसर नहीं है, ठीक है। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, MCL XX और 333, ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर 1। 49 का हो जाएगा एक्यूट एंगल, बिल्कुल सही है, 49 का हमारा एक्यूट एंगल। उसके बाद आते हैं 50 में, 50 का हो जाएगा 3 ओनली एंगल सी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द एंगल इन द गिवन फिगर इज लार्जर देन 2 राइट एंगल, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे साफ दिख रहा है ओनली एंगल सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 51 का हम लोग बात करते हैं, 51 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली स्टेटमेंट बी इज़ ट्रू, ठीक है। 51 के बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 52 पे आते हैं, 52 का हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 225.35, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, 225.35 केजी, ठीक है। 52 का 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर, इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज रिड्यूस फ्रॉम 100, ठीक है, 53 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। 54 का हमारा ऑप्शन नंबर 3, 19 आवर्स। 55 का हमारा करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट है। 56 का ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट है, 67092, बिल्कुल करेक्ट है। 56 था ऑप्शन नंबर 1। 57 का हमारा है बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड ये गलत है, ये है सही, ठीक है, फोर्थ 57 का ये है फोर सही, ठीक है, ये फोर बोथ ए एंड डी, ठीक है, बोथ ए एंड डी, 57 का 4 हो जाएगा बोथ ए एंड डी। 58 का हो जाएगा 58 का बात कर लेते हैं। सो गाइस इसका 58 का अगर बात करें तो 58 का हो जाएगा 45 डिग्री, ये गलत है बिल्कुल, जो 3 वाला है, ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। 59 का अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बिल्कुल सही है, 3:5, ऑप्शन नंबर फोर जो है सही है। 60 में क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल सही है, 9/14, 2/3, 5/6, उसके बाद 7/8, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये तो हमारा बोनस क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं, आप जान चुके होंगे अभी, इसका हो जाएगा 36, एक मिनट मैं बताता हूँ, 36 एंड 000 ही है ना, हाँ, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो इस पे आपको जो है 40 है, 000 नहीं आएंगे, 40 आएंगे इसमें, ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आपको ये इस पे फ्री मार्क्स मिल जाएंगे, बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। इसका वैसे आंसर होगा, ठीक है, ये होगा 36, उसके बाद 40, मतलब 360,000 जो है इसका आंसर होगा, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपने गलत भी किया है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। और 62 की बात करें तो 62 में कितना आंसर आ सकता है हमारा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही है 10002, हाँ बिल्कुल सही है, फोर्थ जो है 10002, ठीक है, फोर्थ सही है, 62 का फोर्थ सही है। 63 का हमारा फैक्टर्स ऑफ 24, ये सही है, 63 का हमारा जो है 3 जो है वो सही है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, 64 में क्या दिया हुआ है,
तो इसमें जो है 64 में हमारा जो है वो 36, ऑप्शन नंबर 4 सही है 36। 65 में वो 32,375, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 66 में, 66 का है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। और 67 में ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1/6। 68 में ऑप्शन नंबर ये 2 सही है, 5 होल 5/12 kg। ओके 69 का जो है, 69 में हमारा कितना परसेंट हो सकता है, 69 में हमारा 60% बिल्कुल सही है, 2 60% जो है सही है। 70 में, 70 में जो है हमारा ये फर्स्ट करेक्ट है, 70 में फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट है। सो अब 71 की ओर बढ़ते हैं, तो 71 का हमारा जो है ये सी 3 है, ऑप्शन नंबर 3, 24.55 cm², बिल्कुल सही है। तो 71 का हो जाएगा 3। 72 का हो जाएगा, 72 का हो जाएगा 2, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 73 का हो जाएगा 62,000, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। 74 का हो जाएगा 120 डिग्री, ये गलत है, ये जो है गलत है। और इसका हो जाएगा ये, वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 74 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो वो 120 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, उसका है ऑप्शन 77 डिग्री जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये था मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, आप जो है मैच कर ले वीडियो को, प्ले करके रिप्ले करके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। और रीजनिंग रहा सवाल रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी मैं आंसर की अपलोड अभी कर दूंगा। अभी बच चुका है रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। तो क्लासिक्स का मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर देना है, ठीक है। तो तभी मैं अपलोड कर पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।